हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी किचन में बन रहे हैं क्रिस्पी परांठे, जो कि हम चपाती मेकर से बनाएंगे, जिसमें ना बेलन चकले की और ना ही गैस की हमें जरूरत है और ना ही हमें तवे की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने अपने इसमें प्लग को लगा के इसको ऑन कर दिया है, तो जिसमें रेड लाइट आ चुकी है और ये अभी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रेड लाइट बिल्कुल बंद हो जाएगी तो हमारा ये चपाती मेकर फुल जो है गर्म हो जाएगा। तो चलिए हम पहले बनाते हैं पेड़ी। आटे से लोई बनाते हैं। हमने यहाँ नॉर्मल आटा ही लिया हुआ है और आज हम बनाएंगे आलू के परांठे। तो ये हमने लोई ली है और इसको हम ऐसे हाथ से थोड़ा सा गोल बना लेंगे, इसको ऐसे ऐसे जैसे भी आपको इजी लगे, ऐसे जैसे भी करते हैं इसको थोड़ा फैला लेंगे पेड़ी को। और इसमें हम अपना मसाला, जो भी हमने मसाला भरना है वो हम इसमें अपना डाल देंगे। ये हमने इसको अच्छे से भर दिया है और अभी इसके किनारों को ऐसे खींचते हुए हम इसको बंद कर देंगे और ये ऐसे हमने इसको बिल्कुल से बंद कर दिया है। इस तरह से हमारा स्टफ्ड जो है पेड़ी बन चुकी है आटे की। अभी हम इसको सूखे आटे से ऐसे रैप करके इसको फैला लेंगे थोड़ा सा। ये हमारा फैल चुका है। जितना भी आपने मोटा बनाना है तो उसी हिसाब से आप आटे की लोई बना सकते हैं। अब ये हमारा चेक करने का है कि ये गर्म हो चुका है। हम इस पे थोड़ा सा घी डाल के देखते हैं। तो ये देखिए आटा मैंने डाला है घी पे, ये नाच रहा है कैसे आटा। इसको हम साफ कर लेंगे। ये हमारा गर्म हो चुका है और मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अभी हम इसको लोई को इस पे रखेंगे और ऊपर से हम इसको ढक के इससे हम प्रेस कर देंगे। तो ये हमने जैसे प्रेस किया था, हमारी ये ऐसे अपने आप से इस साइज की फैल चुका है हमारा आटा जो है लोई थी। अब हम इसको पलट देंगे और इसको ऐसे इधर से कवर कर देंगे, जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो और प्रेस होकर ये ज्यादा फैल जाएगा। तो ये हमारा 10 से 15 सेकंड में ही हमारा सिक जाता है परांठे। और इससे हम अब घी लगाएंगे, जो हमारा सेकने के काबिल, घी लगाने के काबिल हो जाता है। और इसको हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है इधर से। अब जैसे हम तवे पे पलटते हैं वैसे ही हम इसको आराम से पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही घी लगा देंगे। और अभी हम इसको कवर करके सिकने देंगे आराम से। तो ये हमारे अभी परांठे टेस्टी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए हम इसको पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी परांठा तैयार हो रहा है। तो देखिए इसमें कोई गंदगी नहीं फैलती है आटे की। आराम से आप गरम गरम परांठे खाइए और औरों को भी खिलाइए। देखिए अपने आप इक्वली कितना अच्छा परांठा बना है और बहुत ही क्रिस्पी होता है ये परांठा। हमें इस परांठे को बनाने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा है। तो ये हमारा परांठा तैयार हो चुका है, इसको हम ऐसे रख लेंगे। तो ये देखिए हमारे स्टफ्ड परांठे तैयार हो चुके हैं आलू के। कोई गंदगी नहीं फैली है, साफ सुथरी किचन है हमारी और कितना इजी है बनाना इसको। बहुत ही कोई भी बना सकता है, लड़के लड़की जैसे रहते हैं बाहर पीजी वगैरह में आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है आलू के परांठे, स्टफ्ड परांठे बनाना चपाती मेकर में। कितना इजी काम है ये, कोई गंदगी नहीं, झंझट नहीं, कुछ नहीं, सभी बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए आलू के किसी भी स्टफिंग के परांठे।